गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास 7 के लिए निबंध लेखन में शीर्षक है समय का महत्व। समय का महत्व हर इंसान के लिए होता है, लेकिन खासकर विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व अपने आप में विशिष्ट स्थान बना के रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, इसके पीछे एक कारण है कि यह निरंतर चलता है। समय गतिमान है, जो किसी की इंतजार नहीं कर सकता है। उसके लिए निरंतर चलने वाला व्यक्ति ही, निरंतर सोच वाला व्यक्ति ही समय के महत्व को समझ सकता है। खासकर विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व इस प्रकार साबित होता है कि उसे एक लक्ष्य या मुकाम कहा जाए, उसे पहुंचाकर ही वह अपना प्रतिफल ज्ञात करता है। लेकिन जो बच्चे की समय का महत्व विद्यार्थी जीवन में नहीं समझ पाते हैं, उसका उसी प्रकार से प्रतिफल होता है जैसे का वर्षा जब कृषि सुखाने। मेहनत तो उनको करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहें, उनको मेहनत करना है, लेकिन उसका फल जो है वह सही रूप में उन्हें नहीं मिल पाता है। जैसे जीवन में वही सफल होता है जो हर काम एक समय पर करता है। समय बीत जाने के बाद कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता है। जैसे फसल की सिंचाई के लिए उसे समय पर निराई करना है, खेत में अच्छे बीज को बोना है, बीज बोने के बाद उसकी सिंचाई समय पर होना है, उसकी देखरेख समय पर होना है, तब जाके वह कृषि जो है वह उन्नत अवस्था में प्राप्त होते हैं। नहीं तो एक के बिना भी एक का अगर सही समय पर महत्व न दिया जाए तो वह बेकार साबित होता है। उसी तरह पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते सभी हैं, स्कूल सभी जाते हैं, समय पर सब उठते हैं, लेकिन जो बच्चे की समय का ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, समय का ध्यान रखते हुए वो अपनी तैयारी करते हैं, समय की जागरूकता को बनाए रखने के लिए समय पर विद्यालय आना, शिक्षकों से अच्छी सलाह के अनुसार समय पर कार्य करना उनके जीवन को लाभान्वित कर देता है। जैसे कि फसल के सूख जाने पर अगर सिंचाई की जाए तो कोई लाभ नहीं हो सकता है, उसी तरह छात्र अपने सभी कार्य करते हैं और आगे चलकर उन्नति करते हैं। जो व्यक्ति आलस में आकर कार्य को टालता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। समय अमूल्य है और बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। इस बात को जो इंसान समझ लेते हैं, वह अपने कार्य को प्रारंभिक दौर से ही रूपांतरित इस प्रकार करते हैं कि उनका कार्य सफल हो जाता है। समय के महत्व का वर्णन करते हुए ही अनेक विद्वानों ने, अनेक कवियों ने समय के महत्व को दर्शाते हुए अनेक प्रकार की कविता लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, इस पर अनेक प्रकार की उक्तियाँ दी हैं। तो आज हम इस समय के महत्व को दर्शाते हुए आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों का जो समय है वह अध्ययन काल का प्रारंभिक दौर है। इस अध्ययन काल के दौर में अगर आप समय को अच्छी तरह से समझ लें, इसके अनुसार अगर आप
करते रहें कार्य तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। वर्तमान युग तकनीकी का युग है। इस भागदौड़ के युग में अगर आप समय को ध्यान में रखते हुए कार्य न करेंगे तो आप न जाने कितनी दौर में पीछे रह सकते हैं। इसलिए अपने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए शिक्षण के हर क्षेत्र को अपनी जागरूकता के अनुसार समझें, क्योंकि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए न सिर्फ आज पढ़ाई का महत्व है, पढ़ाई के साथ साथ खेल, नृत्य, संगीत, कंप्यूटर, उसके साथ साथ अन्य कार्य क्षेत्र में भी अगर आपकी दिलचस्पी न होगी तो इस भागदौड़ के स्थिति में आप पीछे रह जाएंगे। आप हमेशा अपने आप पे यह जागरूकता बना के रखें कि हमें समयानुसार कार्य करना है, समय के अनुसार अपनी स्थिति में बदलाव लाना है। आप पहले के बनिस्पत ऐसा देखते होंगे कि अपने गांव समाज में भी जो बच्चे पहले कोसों दूर चलकर विद्यालय जाते थे, अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, उनके लिए समय में परिवर्तन को देखते हुए आज हमारी सरकार ने भी उसे अन्य प्रकार की सुविधाएं दी है और उस सुविधा के अनुसार भी कई बच्चे ऐसे हैं जो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, उन्हें बाद में आकर अवश्य पश्चाताप होती है, क्योंकि 14 वर्ष तक जो निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा दी जाती है, मध्यावकाश के भोजन उन्हें प्रदान किया जाता है, उन्हें वेशभूषा के लिए पैसे दिए जाते हैं, साइकिल के लिए पैसे दिए जाते हैं, फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो समय के महत्व को ना समझते हुए विद्यालय में ना आकर चौक चौराहे यत्र तत्र अपने समय को बर्बाद कर देते हैं और बाद में उन्हें इस कदर की ज़िंदगी जीनी पड़ती है कि वह जीवन में सिर्फ पश्चाताप ही देखते हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अर्थ अभाव में जीते हुए भी इस सहयोग का लाभ लेते हुए अपने अध्ययन को जारी रखते हैं, समय को समझते हुए अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, तो भले ही उन्हें प्रारंभिक दौर में कुछ कष्ट सहना पड़ता है, कुछ परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन बाद में उन्हें अत्यधिक इसका लाभ मिलता है। अपने गांव, परिवार, समाज में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और वैसे सब बच्चे के लिए ही कविता चरितार्थ होती है, होनहार बिरवान के ओत चिकने पार, कि जो बच्चे होनहार होते हैं उसमें शुरू से ही कुछ कामयाबी लक्षण दिखाई देते हैं, वह अर्थ अभाव में, सुविधा के अभाव में अपनी ज़िंदगी को नाकाम नहीं बनाते हैं, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत कर समाज की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी न किसी दौड़ लगाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे कहने का यह अर्थ है कि अभी आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। अभी आप बाल्यावस्था में हैं, अपने आप में अगर आप सुधार कर लेंगे, अपनी स्थिति में सुधार कर लेंगे, अपने समय को महत्व देंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। समय के महत्व को समझते हुए आप अपने परिवार से, शिक्षक से, दोस्त से किसी न किसी प्रकार से आप
सहयोग की भावना बनाकर उनसे सहयोग लेकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह आपका जो है मेहनत का श्रेय आपको अवश्य मिलता है। धन्यवाद। तो आप अपने समय को अवश्य समझें और इसका प्रतिफल आपको अवश्य किसी न किसी रूप में मिलेगा। धन्यवाद।